नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश मेहता, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो ये है, मैं आज आपको पांच प्राणायामों के बारे में बताता हूँ। पांचों प्राणायामों का आपको मैं नमूना दूंगा और आप ध्यान से देखें और सुनें। कही हुई बातें आपको मैं नमूना दूंगा, आप नित्य रोजाना कर सकते हैं मेरी वीडियो देख करके, क्योंकि आजकल की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, इसमें लोग परेशानी परेशान है, किसी को कोई टाइम नहीं है, न खाने का, न पीने का, न व्यायाम करने का, न किसी से बातचीत करने का। तो आपको नित्य सुबह सुबह पांच प्राणायाम करने हैं, आपको मैं बारी बार एक एक करके मैं समझाऊंगा, आप ध्यान से देखें और सुनें। नंबर एक प्राणायाम है भस्त्रिका। भस्त्रिका जो है ये प्राणायाम, इससे शरीर वार्म अप होता है और इसको आप 900 बार भी कर सकते हैं, 5 मिनट के अंदर 900 बार भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। मुंह बंद रखना है, नाक से लंबे लंबे सांस को अंदर लेना है, बाहर छोड़ना है। नाक से ही छोड़ना है, नाक से ही लेना है, मुंह बंद रखना है। नंबर दो है कपालभाति। कपालभाति में रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, गर्दन सीधी रखनी है, सुखासन में बैठना है, हाथ की अंगुलियां तर्जनी और अंगूठे को ऐसे दबा के प्रेस रखना है, तीनों उंगलियां सीधी रखनी है, ये ऐसे बैठना है। ये प्राणायाम पेट संबंधी काफ़ी रामबाण प्राणायाम है, इससे आपके हार्ट, किडनी, लीवर, डायफ्राम, जो भी पेट संबंधी मोटापा है, चर्बी है पेट के अंदर, सब दूर हो जाएगा। और आप इसको सुबह सुबह खाली पेट करना है इस प्राणायाम को। इसका एक सबसे बड़ा परहेज यही है। नंबर दो, अगर आपका बीपी हाई है तो इसको न करें, कम करें, तो आपका बीपी नॉर्मल रहता है तभी करना, नहीं तो हाई बीपी में आप इसको मत करना। तो मैं आपको यही सुझाव देना चाहता हूँ। इसके पेट संबंधी सारे फायदे ही फायदे हैं, जो भी पेट संबंधी बीमारियाँ होती हैं उसको दूर करता है। नंबर तीन है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम इसमें जो है शरीर की जो भी नस नाड़ियाँ होती हैं, 72,000 करोड़ जो नस नाड़ियाँ हमारे शरीर में, वो जागृत हो जाती है। और इनका संबंध जो है ब्रेन से होता है, हमारे दिमाग से होता है, दिमाग सुचारू रूप से अच्छा काम करता है। जो विद्यार्थी लोग पढ़ने लिखने वाले होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है ये। याददाश्त रहती है, अगर आपको याददाश्त भूल भुलैया रहती है तो इस प्राणायाम को करें। इस प्राणायाम को करने के लिए कोई भी इसका टाइम टेबल कुछ नहीं है, आप इसको बैठ के, सो के, गाड़ी में बैठे बैठे, ऑफिस में कुर्सी में बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं। यह है इसका नमूना। इस अंगूठे से नाक की एक छिद्रा को बंद करना है और इस छिद्रा से सांस को लेना है और इसे छोड़ना है, और छोड़ते समय इसको बंद रखना है। ये दिखाता हूँ आपको, तो इस क्रिया को आप एक बार में 3 मिनट तक का राउंड रखें तभी इसका फायदा होगा। लगभग 2 या 3 मिनट तक जरूर रखें, उसके बाद थोड़ी देर रिलैक्स हो जाएं, फिर दूसरा राउंडिंग में करें और इसको करते रहें। ये जिसको चक्कर आते हैं, जिस व्यक्ति को, या पढ़ने लिखने में दिमाग कमज़ोर होता है, पैरालिसिस वाले हो गए, इस टाइप के जो मिर्गी के बीमारी वाले होते हैं, उनको इसको करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। ये बहुत ही अच्छा रामबाण इलाज है इसका। और जिन लोगों के हाथ पैर किसी अंग में सुन्नता आ जाती है,
दर्द महसूस होता है नसों में, तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छी प्राणायाम है ये। आप करके देखो, इसके फायदे ही फायदे हैं। और दिमाग की याददाश्त जो भूल भुलैया होती है उसको भी सब ठीक हो जाता है इससे, और आपका दिमाग बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा। आप करके देखना और उसके बाद हमें बताना कि कितनी अच्छी प्राणायाम है ये। इसका नाम है अनुलोम विलोम। नंबर चार है भ्रामरी। भ्रामरी भौरे की तरह गुनगुनाना है आपको, मुंह बंद रखना है। ये गले संबंधी बीमारियों के लिए होता है, जिसके गले में खरांस होती है, आवाज़ बैठ जाती है, ये है। दोनों कानों को बंद रखना है अंगूठे से, और माथे में जो है चारों उंगलियों को ऐसे रखना है। उसके बाद आँख को बंद भी कर सकते हैं, खुल के भी रख सकते हैं। मुंह को बंद रखना है और नाक से लंबी सांस को लेना है पहले। इस क्रिया को आप 5-10 बार जरूर करें, और इससे आपके गले संबंधी जो भी बीमारियां हैं ये सब दूर हो जाएंगी। खासकर थायराइड वालों को ज़रूर करना चाहिए इसको, जिसके थायराइड का केस होता है, थायराइड बढ़ता है जिसका। नंबर पाँच है उद्गीत। उद्गीत जो है इसमें ओंकार का, ओम का उच्चारण करना है अंदर ही अंदर। आपको मैं बताता हूँ, ओम की ध्वनि जो है वो परमात्मा तक पहुँचती है, इससे मन बुद्धि शुद्धि होती है। ओम ही जो है ब्रह्मांड में सबसे बड़ा शब्द है। हमारे सनातन धर्म में ओम शब्द को सबसे बड़ा शब्द मान रखा है, ओम का उच्चारण है ये। अब मैं इसको आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। मुंह बंद रखना है और अंदर ही अंदर ओम का उच्चारण करना है। पहले नाक से लंबी सांस लेनी है, ओम। ये है पांच प्राणायाम। आप पांचों प्राणायामों को रोजाना नित्य अपने नित्य रोटेशन में करें। पहले आप थोड़ा बहुत वार्म अप हो जाएं, यानी कि 1-2 किलोमीटर पैदल चल के आएँ। अगर नहीं भी जा सकते हो, कम भी जा सकते हो, अपने घर के आसपास ही टहल करके, उसके बाद एक चटाई बिछा करके आप अपने घर की छत में या अपने खाट पलंग पर भी कर सकते हो, फर्श में भी कर सकते हो इसको। आपको फायदे ही फायदे होंगे। इन पांचों प्राणायामों को जरूर करना है और आपके जीवन में एक नई उमंग और नई बहार लाएगा ये प्राणायाम। जो करेगा योग रहेगा निरोग। बाकी मैं अगली वीडियो में आपको और भी कुछ बताऊंगा। बने रहिए और हमारी वीडियो को पूरी देखना और इसके ऊपर अमल करना। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। नमस्कार।